तो गाइस आज हम एक ऐसे वर्ल्ड के में खेलने वाले हैं जहाँ पर हमारी एक छोटी सी गलती हमारे पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती है। एंड यहाँ पर हम एक बार मरे तो समझो हमारा गेम पूरा ख़त्म है। तो चलो एंड यहाँ पर डे वन पे मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ काटता हूँ एंड टूल्स बनाता हूँ। लेट्स गो गाइस, मैंने टूल्स तो बना लिए हैं बट जहाँ पर मैं स्पॉन हुआ वो जगह काफ़ी ज़्यादा गंदी है, तो मैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गया एक अच्छी सी जगह पर या फिर विलेज पर। और बीच में मेरे को एक रुइन पोर्टल मिला पानी के बीच में, तो मैंने उसको फटाफट से लूटा एंड मैं निकल लिया आगे की तरफ में विलेज की तलाश में। एंड जहाँ पर मैं स्पॉन हुआ था उससे थोड़ी दूर मेरे को एक विलेज भी मिल गया, बट यहाँ पर दिक्कत की बात पता क्या थी कि यहाँ पर ज़्यादा चेस्ट वाले घर नहीं थे। एंड मैंने यहाँ से सीढ़ी उठाकर पता नहीं क्यों वापस भी कर दिए। भाई फ्री का सामान कभी लेता नहीं हूँ मैं, तुमको भी पता है। एंड लेट्स गो आगे की तरफ निकलते हैं। एंड अभी सारे के सारे घर मैंने लूटे बट मेरे को उनमें से एक भी घर में चेस्ट नहीं मिली, जो कि अपने लिए काफ़ी बुरी बात थी। एंड उसके बाद मेरे को आयरन गोलम दिखा और मैंने सोचा कि इसको मैं फटाफट से मार के आयरन लेता हूँ, बट उसके बाद भाई साहब मेरे को लगा कि भाई मैं हक दूंगा एंड इसीलिए मैं आयरन गोलम को मार नहीं पाया, मारा ही नहीं भाई। एंड उसके बाद मैंने सारे के सारे घर लूटे। लेकिन भाई एक पूरे के पूरे विलेज में से मेरे को सिर्फ एक ही घर मिला जहाँ पर चेस्ट थी और वहाँ पर भी थोड़ा बहुत खाना मिला। एंड निकलते हैं दूसरे विलेज की तरफ। एंड अभी गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है मेरे को क्योंकि इधर सामने की तरफ काफ़ी बड़ा समुंदर है। एंड गाइस देख सकते हो मैं इधर दूसरी बायोम में आ चुका हूँ एंड इधर का पानी एकदम काला काला एंड अलग ही बायोम लग रही है मेरे को ये। एंड यहाँ पर देख सकते हो एक विच की हट बनी हुई है, तो एक काम करते हैं रात हो रही है तो फटाफट से मैं सो गया था एंड उसके बाद मैं विच को मारने गया। तो लेट्स गो गाइस, मैं सो के उठ चुका हूँ एंड यहाँ पर से थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट कर लिया जाए भैंस की टांग। एंड लेट्स गो, यहाँ पर भी एक बट मैं थोड़ा पका हुआ खाना चाहता था एंड इसीलिए मैंने इसको फ्लिंट एंड स्टील से जलाना सोचा, बट भाई साहब पूरे के पूरे मैंने जंगल को ही जला डाला। एंड उसके बाद यहाँ पर अपन को पूरा का पूरा पका हुआ खाना मिल जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर मिल चुका है। एंड मैं आगे की तरफ में विच को मारने के लिए गया बट पता है दिक्कत की बात क्या थी, अगर वो अपने ऊपर पोशन मार देगा तो भाई साहब अपनी हेल्थ कंटिन्यूसली डाउन होगी और वो मैंने देख लिया है। एंड इसके पास एक काली बिल्ली भी रहती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा देती है भाई साहब। एंड लेट्स गो, मैं चुप चुप के जाने लगा विच के पास एंड अभी तक तो उसने मेरे को नहीं देखा था। एंड उसके बाद मैंने उस पर हमला कर दिया, बार बार मैं उसको मारा करा लेकिन गाइस उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा थी। वो भाई साहब मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे, कौन है भाई, मैं था ही नहीं यहाँ पे भाई साहब, इतना ज़्यादा खतरनाक डैमेज दिया इसने। मैंने उसको भाई साहब इतनी ज़्यादा एक्स मारी एंड गोल्ड की पूरी एक्स टूट गई भाई मारते मारते, लेकिन वो नहीं मरा भाई साहब। एंड ओ भाई मेरे को मालूम है ये मरूंगा तो नहीं मैं, बट पूरे के पूरे एक हार्ट पे जाके ख़त्म हुआ मैं। एंड गाइस अभी मैं इससे पंगा नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ना तो कोई अच्छे टूल्स हैं ना तो कोई आर्मर है, इसीलिए फटाफट से थोड़ा बहुत आयरन वायरन माइन करते हैं, उसके बाद इस विच की बैंड बजाएंगे अपन। एंड यहाँ पर मेरी हेल्थ भी अभी काफ़ी ज़्यादा कम है तो मेरे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड इसीलिए गाइस हार्ड कोर में अपन को काफ़ी ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है। एंड एक केव मिली थी मेरे को और जहाँ से मेरे को काफ़ी सारा यहाँ पर कोल मिला तो मैंने कोल को इकट्ठा किया एंड उसके बाद मैं लग गया सीधे आयरन ढूंढने के लिए। एंड लेट्स गो गाइस, इस पिक को भी मार के मैंने पका हुआ खाना ले लिया है। एंड यहाँ पर मेरे को केव तो दिखी है बट गाइस यहाँ पर थोड़ी बहुत टॉर्च बना ली है मैंने। एंड इसके बाद यहाँ पर भी भाई साहब बढ़िया के एंड मेरा फर्स्ट आयरन मिल चुका है मेरे को यहाँ पर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो इसको तोड़ते हैं एंड लेट्स गो गाइस, सबसे पहले मैं आयरन की पिकेक्स बनाने वाला हूँ क्योंकि आयरन की पिकेक्स जल्दी तोड़ेगी अपने को, एंड तोड़ेगी नहीं भाई सब ब्लॉक्स को तोड़ेगी। एंड मैंने फर्नेस बनाया और उसके बाद मैंने फर्नेस को रखा एंड यहाँ पर ओर्स को रख दिए
और काफ़ी सारा मेरे पे कोल पड़ा हुआ था, तो मैंने कोल्स को भी रख दिया। तो थोड़ी देर में अपना आयरन पिघल जाएगा एंड उसके बाद मैं एक एक्स बना लूँगा और एक पिकेक्स बना लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तक मैं थोड़े बहुत और आयरन माइन कर लेता हूँ एंड लेट्स गो। उसके बाद गाइस मेरे को एक स्केलेटन ने हमला कर दिया मेरे ऊपर, तो मैं बच के थोड़ा इधर छुप गया एंड उसके बाद मैंने इंतज़ार किया कि वो मेरे सामने आए, क्योंकि भाई साहब स्केलेटन दूर से काफ़ी बढ़िया डैमेज दे देता है। एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पीवीपी फाइट करने के बाद मैंने इसको हरा दिया है एंड यहाँ पर अपना आयरन भी स्मेल्ट हो चुका है थोड़ा बहुत, तो इससे अपने आयरन की पिकेक्स तो बन ही जाएगी। एंड लेट्स गो गाइस, मैंने आयरन की पिकेक्स बना ली है एंड एक आयरन की एक्स भी बना के चलते हैं, क्योंकि पता नहीं भाई साहब अंदर कौन कौन से मॉब्स मिल जाए एंड अपने को पेल दे, इसीलिए सारी की सारी सेफ्टी के साथ चलना पड़ेगा अपन को। एंड यहाँ से फटाफट से आयरन उठाता हूँ मैं एंड इधर भी आयरन की एक्स बना लेते हैं। लेट्स गो गाइस, मैंने आयरन की एक्स भी बना ली है एंड यहाँ से अभी अपन अंदर की तरफ निकलते हैं एंड डायमंड मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया बात होगी, बट भाई साहब मेरी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा कम है और खाना भी मेरे पास भाई साहब लिमिटेड ही है, ज़्यादा नहीं है। एंड लेट्स गो, सारा का सारा आयरन तोड़ते हैं एंड मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में। एंड गाइस वहाँ पर एक विच है और वो काफ़ी ज़्यादा देर से ट्राई कर रही है मेरे ऊपर पोशन मारने का, बट मैं भाई साहब उसके मज़े लिए जा रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये इतनी देर से कोशिश कर रही है बट एक भी पोशन इसका मेरे को नहीं लग रहा है। एंड भाई साहब उसका तो पोपट बना दिया अपन ने, बट थोड़े बहुत ब्लॉक्स कलेक्ट करते हैं। एंड गाइस लिटरली मेरे को पहले डायमंड इधर की साइड में ही मिल चुके थे मेरे, एंड मेरे पास कितने डायमंड हो चुके थे वो मैंने भी नहीं देखा है। एंड अभी मैंने भाई साहब लगातार माइनक्राफ्ट के 8 दिन माइनिंग की है, पूरी की पूरी जगह को खोद डाला है मैंने एंड उसके बाद मेरे पे इतना सारा सामान हो चुका है, इतना सारा गोल्ड, इतना सारा एमराल्ड एंड कम से कम 32 या 33 डायमंड्स मिल चुके हैं मेरे को। एंड भाई साहब मेरे को स्मेल्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ये 4 फर्नेस और उधर 5 फर्नेस, 9 फर्नेस रखे थे मैंने पूरे। एंड इधर से कोल बचा हुआ है तो कोल सारा का सारा निकालता हूँ मैं। एंड लेट्स गो गाइस, इधर भी काफ़ी सारा था एंड इधर भी रखा हुआ है एंड इधर भी है एंड ये सब स्मेल्ट करने में ही लगभग मेरे को 1 से 1.5 दिन लग चुका है। एंड यहाँ पर एक आयरन इंगट भी पड़ा हुआ है तो इसको भी निकालते हैं, यहाँ थोड़ा स्मेल्ट हो रहा है। एंड लेट्स गो गाइस, मैंने सारे के सारे टूल्स डायमंड के एंड आयरन के एंड शील्ड विल्ड बना के मैं आ चुका हूँ एंड मेरे को इधर एक मैसा बायोम दिखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रही है। बट गाइस इधर से मेरे को अंदर से मॉब्स की आवाज़ आ रही है तो मेरे को लग रहा है इधर भी केव वेव होगी, निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत और डायमंड माइन करेंगे एंड उसके बाद भाई लावा पूल मिल जाए तो मैं जाऊँगा नेदर में। ओके गाइस, तो मेरे को यहाँ दिख चुकी है एंड यहाँ कोई केव वेव नहीं है भाई साहब, यहाँ पर पूरी माइन शाफ्ट बनी हुई है एंड भाई साहब मॉब्स की आज काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है भाई इनसे। एंड यहाँ पर जैसे तैसे भाई साहब मैं दिल पर पत्थर रख कर जा रहा था आगे की तरफ में एंड उसके बाद मेरे को एक मॉब दिख गया बट वो अपने पास आ नहीं सकता था। एंड निकलता हूँ फटाफट से बट मेरे को सामने की तरफ से एक मॉब दिख गया जो कि अपना पहला मॉब था यहाँ पर माइन शाफ्ट का, इसको तो मैंने ईजिली मार दिया बट एक स्केलेटन पीछे से आ गया। एंड भाई साहब यही दिक्कत लगती है भाई मेरे को, ये पीछे से कहीं से भी आके मार देते हैं एंड इससे मैंने काफ़ी ज़्यादा देर तक फाइट करी एंड एक मॉब भी आ चुका था वहाँ पर, 2 मॉब एंड एक स्केलेटन से एकदम भाई साहब बढ़िया तरीके से मैंने फ़ाइट की। वो तो अच्छा हुआ मेरे पास डायमंड की एक्स थी एंड ये बेचारा तो फाइट से दूर ही था भाई, वो तो अलग ही फंसा हुआ है इसका। तो निकलते हैं बाकी आगे की तरफ में, मैं काफ़ी ज़्यादा देर घूमा पूरी की पूरी माइन शॉफ्ट में पर मेरे को एक चेस्ट नहीं मिली भाई। ओ भाई साहब, मैं अभी पूरा को पूरा मरते मरते बचा हूँ, ये केव स्पाइडर ने मेरे ऊपर एक पोशन मार दिया था जिससे कि मेरी हेल्थ कंटिन्यूसली डाउन हो रही थी। एंड भाई साहब अभी मैं एक हार्ट पे आधे हार्ट पे बचा हुआ हूँ एंड फटाफट से गाइस मेरे को यहाँ पर पूरे के पूरे 2 दिन बाद मेरे को यहाँ पर एक
वो मिली है चेस्ट, एंड उसके बाद भाई साहब इसमें से काफ़ी बढ़िया दो बुक्स मिली, एंड एक एनचेंटेड गोल्डन एप्पल और पूरे पूरे एनचेंटेड एक स्वॉर्ड एंड एक क्या बोलते हैं चेस्ट प्लेट। तो भाई साहब दिल पूरा एनचेंटेड एनचेंटेड हो गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से फटाफट से निकलते हैं गाइस। एंड उसके बाद आगे की तरफ मैं जाने लगा, एंड यहाँ पर मेरे को एक ज़ॉम्बी दिखा, तो मैंने सोचा इसकी मज़ा लेते हैं, एंड इसकी मज़ा में भाई साहब मैं ही खुद गिर गया। एंड उसके बाद हमारे वर्ल्ड का डी एंड हो गया। तो भाई साहब मैंने तुमको बोला था एक छोटी सी छोटी गलती से भी अपना वर्ल्ड पूरा ख़त्म हो सकता है, तो वो हो चुका है अपना वर्ल्ड ख़त्म। एंड भाई साहब मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ अगला वाला जो अपन सर्वाइवल लाएंगे उसमें पूरा कंप्लीट कर